चार दिन की मेहनत इस वीडियो को बनाने में लगी है गाइस, तो यार एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मम्मी पापा के छोड़ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूँ। चलो छोड़ो यार, जो भगवान ने किस्मत में लिखा था वही मेरे साथ हुआ। अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है, मैं किसी से खाना मांग लेता हूँ। मैंने कुछ खाया नहीं है, क्या करूँ, किससे मांगूँ, कोई खाने के लिए देता भी नहीं है। चलो इस घर पे पूछता हूँ, शायद कोई तो होगा जो मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। कोई है घर पे? कोई है? कोई है तो बाहर आओ ना, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। लगता है कोई नहीं है, इस अगले वाले घर में पूछता हूँ। कोई है घर में? हेलो भैया जी, कोई है? आंटी, कोई है क्या अंदर? अब कौन, अब सुबह सुबह आकर साले माथा खाने, क्या अब भिखारी कहीं के, क्या चाहिए तेरे को? भैया कुछ रात का बचा हुआ रूखा सुखा कुछ खाने को मिलेगा तो आप दे दीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। अब चल बे नमूना, मैं खुद ऑनलाइन खाना मंगाता हूँ, निकल यहाँ से भिखारी कहीं के। किसी को भी मुझ पे दया नहीं आती, कोई खाने के लिए भी कुछ नहीं दे सकता। क्या करूं, मेरी किस्मत में यही लिखा है। चलो यहाँ से चलता हूँ, मम्मी पापा से मिल के आ जाता हूँ, बहुत दिन हो गए हुए। मम्मी पापा मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। बहुत याद आती है मुझे उनकी। अरे ये कौन हॉर्न दे रहा है, एक मिनट देखूं तो। अरे बाप रे, मार डाला। अबे ओ चुतिये, तेरा बाप की रोड है जो पूरे रोड में फैल के चल रहा है साले। उड़ा देंगे गाड़ी, जितना जोर की टक्कर मारूंगा ना, जिंदा नहीं बचेगा आपकी बार साला कमीना कहीं का। आपकी बार तो धीरे से टक्कर पड़ी है, अपने बाप की रोड समझ के बीच में मत चला कर, समझा क्या? तुम अपनी जीप को साइड में से भी तो निकाल सकते थे, मेरे को टक्कर मारना जरूरी था क्या? मैं तो वैसे ही बहुत दुखी हूँ। अबे कमीने, तू बहुत दुखी है तो अपना दुखिया रहा हमें सुनाएगा क्या साले चौतीये कमीने? बक चलो रे, नमूना है ये तो, इसके पीछे क्यों टाइम वेस्ट करे, ऐसे रोड पर बहुत घूमते रहते हैं साला चूतिया कहीं का। बहुत बुरे हैं ये सब, कमीने खुद है और मुझे बोल रहे हैं पागल कहीं के। कीड़े पड़ेंगे इन कमीनों में, गरीब इंसान की कोई इज्जत भी नहीं करता है। चलो अब मैं पहुंच ही गया, मम्मी पापा से मिलके आ जाता हूँ, बहुत दिन हो गए हुए। बहुत याद आ रही है, काश मेरे साथ में होते तो मुझे इतना दुख नहीं सहना पड़ता। चलो आज मम्मी पापा से मिल लेता हूँ, बहुत दिन हो गए, उनको भी मेरी याद आ रही होगी। मैं कैसे कैसे इनके बिना दिन गुजार रहा हूँ। कहाँ है ये रहे, यहीं पे मेरे दोनों मम्मी पापा हैं। उस दिन हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। मम्मी पापा मुझे आपकी बहुत याद आती है, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए आप, मुझे भी अपने साथ ले जाते उस दिन, अकेले अकेले चले गए। बहुत बुरा बुरा करते हैं लोग मेरे साथ, मुझे अकेला छोड़कर तड़पने के लिए यहाँ पर छोड़कर चले गए। मेरा मन नहीं लगता है आप लोगों के बिना, क्या करूँ अब मैं, कुछ समझ नहीं आता। अरे करण बेटा, आज तू फिर से रो रहा है यहाँ आकर, अब जो होना था वो हो गया बेटा, इस बात को भूल जा और घर चला जा। अंकल मेरा अब कोई घर नहीं है, मैं ऐसे ही घूमता हूँ, क्या करूँ मैं। एक मिनट बेटा, मुझे कॉल आ रहा है, मैं अभी वापस आता हूँ, ठीक है, दो मिनट रुकना तू। आपको भी कॉल आ गया, आप भी बिजी हो। मम्मी पापा मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, दिन भर भूखा मरता रहता हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब भगवान ने जो किस्मत में लिखा है वही होगा, जैसे जिंदगी कट रही है काट लेता हूँ। चलता हूँ यहाँ से, रुक कर अब क्या करूँगा, कुछ काम वाम करूँगा तो शायद कुछ खाने को मिल जाएगा। लोगों के जूते ही साफ कर लेता हूँ, ये काम तो कर ही सकता हूँ। बहुत तेज भूख लगी है, ऐसा करता हूँ एक बार इस घर वाले से पूछ लेता हूँ, शायद मुझे ये कुछ खाने को दे दे, क्या पता इसका दिल बड़ा हो, शायद दे दे। तो भैया भैया कुछ खाने को मिलेगा भैया, मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, कल शाम को कुछ खाया था, दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिलेगा भैया, प्लीज़ कुछ दे दो ना प्लीज़, बहुत भूख लगी है, प्लीज़ भैया प्लीज़ दे दो ना प्लीज़। अबे चला जा बेकार यहाँ से, मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है यहाँ पर जो तेरे को मैं खाने के लिए। अबे ऊपर क्यों आ रहा है साले,
तेरे बाप का घर समझ गया, भाग यहाँ से। चोर कहीं का आ गया, भिखारी कहीं का भीख मांगने के लिए सुबह सुबह। कमीना, सब ऐसा ही क्यों बोलते, सब मुझे चोरी क्यों समझते। चलता हूँ यहाँ से, कोई ना कोई तो देगा ही खाने के लिए। सब ऐसे बेइज्जती कर देते हैं, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर क्या हुआ, जब करण ऐसे रास्ते में जा रहा था तो उसे एक कार वाला बड़ा पैसे वाला आदमी मिलता है। वो उससे पूछता है, अरे भाई तूने यहाँ पर कोई ब्लैक मार्क्स लगाए हुए ब्लैक कपड़े में किसी आदमी को भागते हुए देखा क्या? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। देखा हो तो यार बता देना याद करके, मेरा बैग है उसके पास, उसके अंदर बहुत कीमती चीजें पड़ी हुई थी। नहीं भैया, मैंने ऐसे किसी भी आदमी को नहीं देखा, अगर देखूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? थैंक यू यार भाई, मुझे इतना बताने के लिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अगर दिखे तो मेरे को बता देना, ठीक है? मैं उधर आके देख के आता हूँ, पूछ के आता हूँ किसी से। ठीक है भैया, अगर दिखेगा तो बता दूंगा। चलो अब मैं भी चलता हूँ यहाँ से, भूख लगी यार, क्या करूँ, कुछ खाने को भी नहीं है। चलो इस ब्रिज के ही नज़ारे लेता हूँ, मुझ गरीब को कहाँ कोई ऐसा चोर दिखेगा पैसे वाला जिसके पास एक कीमती बैग हो। अरे वो क्या पड़ा है सामने, क्या चमक रहा है? अरे वाह, वहाँ तो शायद पैसे पड़े हैं, देख के आता हूँ, मुझे अगर पैसे मिल गए तो मैं कुछ खा लूँगा। अरे वाह, 1 रुपया, उठा लेता हूँ, अब तो मौज हो गई, अब मैं कुछ खा लूँगा। अरे वो कौन है ब्रिज के नीचे ब्लैक कपड़ों में? आराम से चल के देखता हूँ, शायद कहीं वो चोरी तो नहीं। हाँ हो सकता है, अरे हाँ ये तो वही चोर है जिसकी अभी वो गाड़ी वाला पूछ रहा था। मिल गया कमीना, अब मैं उन भैया को ढूंढता हूँ वापस, वो इधर आते ही मैं उनको बोल दूंगा। कहाँ गए, इधर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, आने दो उनको, शायद वो आ रहे हैं। वो चोर मिल गया, इनको बताऊंगा तो ये बहुत खुश हो जाएंगे। अरे आ गए आ गए, भैया भैया गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको, भैया गाड़ी रोको, रुको 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 रुको, भैया मेरे को वो चोर मिल गया। कहाँ 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 पे वो चोर, बता मुझे, मेरा कीमती बैग उसके पास है, जल्दी बता। चलिए भैया मेरे साथ, देखिए यही ब्रिज के नीचे है, इधर आइए इधर आइए, उधर नहीं है, इधर है, इधर इस तरफ बैठा था। ऐसा करिए आप है ना उस साइड से जाइए, मैं इधर से जाता हूँ, है ना, हम उसको दोनों दोनों तरफ से घेर लेते हैं। जाइए जाइए, मैं इधर से जाता हूँ, आप उधर से जाइएगा। साला कमीना चोर कहीं का यहाँ पर लेकर आया मेरे बैग को, कीमती बैग को यहाँ लेकर बैठा है। अच्छा तो वो रहा, साले चोर कहीं के यहाँ छिप कर बैठा है, अब कहाँ पर जाएगा साले, बाहर चल। अरे यार इनके हाथ कैसे आ गया मैं। हाँ हाँ सीधे सीधे रोड पर खड़ा हो जाओ, वरना मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा पत्थर से। इधर आ साले चोर कहीं के, चोरी करता है, कीमती चीजों का बैग लेकर भाग गया भैया का। कहाँ भाग रहा है साले, रुक जा वरना तेरा मैं सिर फोड़ दूंगा, रुक जा चोर कहीं के। भैया ये भाग भी सकता है, इसका सिर फोड़ देंगे अगर ये भागेगा तो, मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ। मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ, अभी इसको उठाकर ले जाएगी साले कमीने को। हाँ भैया ऐसा ही करो, शरीफ लोगों के साथ भी बहुत बुरा होता है, चोर के साथ तो बहुत बुरा होना चाहिए। अरे अच्छा तो मेरे साथ बुरा करने की बोल रहा है कमीने। हाँ चोरों के साथ तो बुरा ही होना चाहिए, अब भैया का बैग खोल के दे दे वरना मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा पत्थर से, उतार बैग को चोर कहीं का। चोर को पकड़ लो जल्दी से। क्या आपने हमें कॉल किया था अभी इस चोर को पकड़ने के लिए? हाँ सर मैंने ही कॉल किया था, यही है वो चोर जो मेरा कीमती सामान का बैग लेकर भाग रहा था, हम दोनों ने इसको पकड़ लिया, आप इसको जेल में ले जाइए। थैंक यू सर, आपने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया और हमें इन्फॉर्म कर दिया, अब हम इसको लेकर चले जाते हैं। अरे वाह, आज तो 1 रुपये की वजह से मैंने एक चोर को पकड़वा दिया। भैया आपको पता है मेरे को ये चोर कैसे दिखा, मैं उधर ब्रिज के ऊपर गया तो मेरे को 1 रुपये का सिक्का चमकता हुआ दिखा, तो मैं उसको लेने गया ना, तो तब मुझे ये चोर नीचे छिपा हुआ दिख गया था। अरे वाह ये तो बहुत सही हुआ, 1 रुपये की वजह से मेरा 1 करोड़ का नुकसान होने से बच गया। तू यहाँ क्या कर रहा है, आज मैं तेरे को बहुत स्पेशल ट्रीट दूंगा, चल मेरे साथ मेरे घर, आजा बैठ गाड़ी में। सच में भैया आप मुझे स्पेशल ट्रीट दोगे, तब तो बहुत मजा आएगा। वैसे मुझे ये बता तू अकेला रोड पर क्यों घूम रहा है, तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? हाँ मेरे मम्मी पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे, आज से 1 साल पहले क्या हुआ था, एक दिन मेरे पापा बहुत खुश थे। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लॉटरी लगी है, आज मैं तुम दोनों को एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा। चलो बैठ गए ना, अब मैं तुम दोनों को ले चलता हूँ हमारे टुक टुक में, अब हम बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने चल रहे हैं।
और फिर क्या हुआ पापा, हमें खाना खाने के लिए बहुत बड़े रेस्टोरेंट में लेकर जा रहे थे, तभी हमारा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। और वो एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ कि वो जो कार वाला था वो भी वहीं पे मर गया, और मेरे मम्मी पापा भी, और मैं वहाँ पर घायल हो गया था। बट मैं जिंदा बच गया, और मेरे मम्मी पापा दोनों मर गए, और वो गाड़ी वाला भी मर गया। आज 1 साल हो गई इस बात को, और तब से मैं अकेला हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना घर है ना पैसा, ऐसे ही भटकते रहता हूँ। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। कोई ना, अब जो हो गया उसे तो कोई टाल नहीं सकता। उतरो गाड़ी से, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। देखो ये है मेरा घर, देख के बताओ कैसा लगा। क्या सच में मैं आपके साथ रहूँगा? ओ वाओ, आपका घर तो बहुत बड़ा है, सच में बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा भी है। और ये सब आपके गार्ड हैं? हाँ गार्ड ही समझ लो, क्योंकि ये ध्यान रखते हैं घर का। अब तू मेरे साथ ही रहेगा, और ये सब तेरे को सलाम भी ठोकेंगे, ठीक है ना? अब तू अनाथ नहीं है, अब मैं ही तेरा माँ बाप, सब कुछ तेरा बड़ा भाई जैसा हूँ, ठीक है ना? अब आ जा अंदर, चल तेरे को घर दिखाता हूँ अंदर से, आ जा। अरे वाह, अब तो मैं अनाथ नहीं रहा। और फिर क्या था, जब से करण उस अमीर इंसान के साथ आया था, वो उसी के साथ रहने लग गया, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए उस अमीर इंसान ने करण को अपने साथ रख लिया, क्योंकि वो अनाथ भी था, अकेला भी था, और उसका कोई था भी नहीं, तो वो उसी के साथ रहता, खाता पीता, और उसी के साथ बिजनेस में रहने लगा। फिर 2 साल बाद आज एक कैदी की रिहाई है, चलो उसको छोड़ देते हैं। 2 साल हो गए उसको जेल में। कौन है ये है कि कौन है? ये दोनों भी नहीं है। अरे वो वाला ही है जो फर्स्ट में था। चलो अबे ओए, उड़ जा, आज तेरी रिहाई है, तेरी कैद की सजा पूरी हुई। इंस्पेक्टर सर, कैद की नहीं, मेरे जेल की सजा पूरी हुई है। हा 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 हा, कैसे इंस्पेक्टर बन गए आप? अबे कम बोल वरना 2 साल के लिए फिर से अंदर डाल दूंगा। अरे सर आप तो बुरा मान गए। कोई ना सॉरी सॉरी, माफ़ कर दीजिए। अब मुझे अंदर से बाहर भी ले चलिए, मेरी इस कैद की सजा पूरी हुई, मतलब मेरी जेल की। चल तेरी सजा पूरी हुई, अब निकल ले जैसे हम तेरे को लेकर आए थे। और ध्यान रखियो आइंदा के बाद चोरी मत करना। ठीक है साहब, ध्यान रखूँगा, क्या पता कुछ दिनों में फिर से मिलना हो जाए। चलो साहब धन्यवाद छोड़ने के लिए, अब मैं चला जाऊँगा। हवलदार तेरे को आने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं चला जाऊँगा, बाय बाय। आखिरकार मेरी सजा पूरी हुई, 2 साल हो गए मेरे को जेल में, और जिस कमीने के वजह से मैं जेल के अंदर था, उस कमीने को मैं छोड़ूंगा ना इस साला कुत्ता, अब वो बचेगा नहीं मेरे हाथों से कमीना कहीं का। भैया आज आप आराम कीजिए, मैं जाकर गरीबों में खाना बांटकर आ जाता हूँ, ठीक है ना? आप यहीं पे आराम कीजिए, मैं चला जाऊँगा। चल ठीक है करण, आज तू अकेला चला जा, आजा बाहर आजा, गाड़ी लेकर जा, कार लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू अकेला ही है ना, आज गाड़ी पे जा और खाना बांट के आ जाना गरीबों में, एक एक गरीब को दे देना, कोई भी रहना नहीं चाहिए। हाँ भैया आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बांट कर आ जाता हूँ, आप आज आराम कीजिए, आप थक गए होंगे। ठीक है भैया अब मैं चलता हूँ, आप आराम कीजिएगा जब तक मैं आता हूँ। चलो अब मैं सब गरीबों में खाना बांट कर आ जाता हूँ। जिसने मुझे खबर दी है उसकी, उसके हिसाब से तो वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है ना, और यहाँ पर इन गरीबों को वो खाना देने के लिए रोज आता है। जाने दे कमीने को, बताता हूँ मैं, चलो यहीं पर मैं भी बैठ जाऊँगा। हा हा हा, चलो गाड़ी को यहाँ पर आगे खड़ी कर देता हूँ, और आने दे उस कमीने को, मेरे को उसने जेल में बंद करवाया था 2 साल के लिए, अब वो बचेगा नहीं मेरे हाथों से। मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, उससे बात भी करूँगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कौन हूँ, और उसको ऐसी मौत मारूँगा कि वो तड़प तड़प के मरेगा। इनके साथ ही बैठ जाता हूँ, शायद आ रहा है, वो आ गया। तो लो फाइनली मैं आ गया, मैं भी कभी गरीब हुआ करता था। चलो इनको खाना बांट देता हूँ। हेलो दोस्तों, तो लो मैं आ गया तुम सबके लिए खाना लेकर। अरे वाह भैया जी आप आ गए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, जल्दी अब हमें दे दीजिए खाने के लिए, हम कब से वेट कर रहे हैं आपका। सॉरी आज कुछ काम था इसलिए मैं ज़्यादा लेट हो गया। चलो ये लो तुम सब अपना खाना और आराम से खा लेना, आराम से। थैंक यू भैया जी। मिल गया, अब मैं चलता हूँ, ठीक है ना? आगे भी देखे आना है मेरे को किसी और को, ठीक है? अब मैं चलता हूँ।
अरे अरे भैया भैया रुकिए भैया, मेरे को भी बहुत भूख लगी है भैया, मुझे भी कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना भैया प्लीज, बहुत भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया भैया। क्या तुमने भी कुछ नहीं खाया? चलो ठीक है तुम्हें भी दे देता हूँ, लेकिन ये चाकू का तुम क्या करोगे? अरे भैया जी ये चाकू तो बेचने के लिए है, खिलौना है, एकदम असली जैसा लगता है ना भैया जी, अब प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए प्लीज। अरे वाह ये तो अच्छी बात है, तुम कुछ बेचते भी हो, चलो मैं तुम्हें खाने के लिए दे देता हूँ। अरे तू तो दिल का बहुत अच्छा है साले, ये ले, मर गया कमीना, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। अरे देखो उस आदमी ने करण भैया को मार डाला, अरे इसको पकड़ो ये भाग रहा है, इसने भैया को मार डाला। अबे रुक बे साले, रुक जा चोर कहीं के, रुक जा, तूने भैया को क्यों मारा, रुक जा। दोस्तों यहाँ तक आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप चाहते हो कि इसका सेकंड पार्ट भी हम जल्दी लेकर आए तो यार कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।